Good morning, friends. You are welcome in RC Education Hub. Today we are going to start a new topic of chapter number 13, Respiratory System of Human Being. And the topic is Mechanism of Respiration. कि respiration जो है इसकी process किस तरीके से अपनी body के अंदर हो रही है. Respiration के अंदर अपने देखा था breathing, exchange of gases, air का लेना प्लस में air का release करना, that is known as breathing. तो इसी के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं कि वो मैकेनिज्म किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से अपन गैसेस को ले रहे हैं प्लस में किस तरीके से गैसेस को अपन रिलीज कर रहे हैं. तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इज बेसिकली टेक्स प्लेस इन टू स्टेप्स, दो स्टेप्स के अंदर होता है, जिसके अंदर स्टेप नंबर 1 का नाम है दैट इज इंस्पिरेशन. इंस्पिरेशन के अंदर होता है इनटेकिंग ऑफ गैसेस, जो भी सराउंडिंग से एयर है उसको अंदर लेना, दैट इज नोन एज इंस्पिरेशन. Inspiration is also known as intaking of gases or breathing in. This is also known as inhalation. Inhalation, breathing in and inspiration both three words are common. Same अब ऐसे अपन देखते हैं expiration के अंदर. Expiration के अंदर जो भी अपन ने gases ली हैं उनको use में लेके और body के अंदर से जो नई gas produce हो रही है उसको बाहर निकालते हैं. तो expiration का similar word है exhalation और breathing out. तो सबसे पहले अपन इंस्पिरेशन की बात करते हैं. इंस्पिरेशन के अंदर एक्चुअली होता क्या है. इंस्पिरेशन के अंदर एक्चुअली जैसे ही अपन गैसेस को इनहेल करते हैं उस दौरान थोरैसिक कैविटी के अंदर कुछ सर्टेन चेंजेस होते हैं. चेंजेस क्या होते हैं कि रिब केज के बीच में जो भी मसल्स पाई जा रही है, रिब केज के बीच में जो भी मसल्स पाई जा रही है, दीज मसल्स आर नोन एज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स. रिब केज के बीच में लाइक सपोज दैट दिस इज द लंग, यहाँ पे रिब केज है, रिब केज के बीच में ये जो मसल्स पाई जा रही है दीज मसल्स आर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स. ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से रिब केज जो है ऊपर की तरफ मूव करता है प्लस में थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल जाता है. इट मूव्स अपसाइड एंड आउटसाइड ऑल्सो. सेम उसी प्रकार से नीचे डायफ्राम पाया जाता है, डायफ्राम के थ्रू, डायफ्राम भी जो है रिब केज से जुड़ा होता है बाय द हेल्प ऑफ फ्रेनिक मसल्स, बाय द हेल्प ऑफ फ्रेनिक मसल्स. तो फ्रेनिक मसल्स के अंदर भी कॉन्ट्रेक्शन होता है और कॉन्ट्रेक्शन की वजह से जो है डायफ्राम पहले तो था डोम शेप्ड और अब बाद में कैसा बन जाता है फ्लैट. तो रिब केज जो है बाहर की तरफ मूव कर रहा है, इसके अलावा ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं प्लस में डायफ्राम डोम शेप हो गया है. इन चेंजेस की वजह से जो है थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और वॉल्यूम जैसे इंक्रीज होता है एयर प्रेशर वहां का क्या हो जाता है डिक्रीज. और जैसे ही एयर प्रेशर डिक्रीज होता है जो है सराउंडिंग के अंदर जो भी एयर प्रेजेंट थी वहां का एयर प्रेशर ज्यादा होता है. इट मींस एयर इज मूविंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. इट मींस डिफ्यूजन इज टेकिंग प्लेस हियर. यहां पे डिफ्यूजन की प्रोसेस हो रही है थोरैसिक कैविटी के अंदर. जैसे ही वो जो है एयर प्रेशर कम होता है बाहर की एयर अंदर ट्रांसफर करती है एंड दैट होल प्रोसेस इज नोन एज इंस्पिरेशन. पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं इंस्पिरेशन. सेम इसके ऑपोजिट थिंग जो है एक्सपिरेशन के अंदर हो रही है. एक्सपिरेशन के अंदर क्या होता है कि जो भी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं इसके अलावा फ्रेनिक मसल्स हैं ये आपस में रिलैक्स हो जाती हैं. रिलैक्स होने की वजह से जो है रिब केज अंदर की तरफ तथा नीचे की तरफ मूव करता है प्लस में डायफ्राम जो फ्लैट हो गया था वापस कैसा हो जाता है डोम शेप. डोम शेप होने की वजह से जो है थोरैसिक कैविटी का जो है वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है. थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम जैसे ही डिक्रीज हो जाता है अंदर का एयर प्रेशर सराउंडिंग के एयर प्रेशर से ज्यादा हो जाता है और जैसे ही अंदर का एयर प्रेशर सराउंडिंग के एयर प्रेशर से ज्यादा हो जाता है एयर मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड. दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्सपिरेशन. बेसिकली जो भी गैस अपन ले रही है दैट गैस इज ऑक्सीजन और जो अपन रिलीज कर रहे हैं दैट इज नोन एज CO2. तो एक बार फिर से एक बार प्रोसेस देख लेते हैं इसकी. इंस्पिरेशन के अंदर क्या होता है कॉन्ट्रेक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स एंड फ्रेनिक मसल्स. सबसे पहले जो है इंटरकोस्टल मसल्स और फ्रेनिक मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट होती है. इंटरकोस्टल मसल्स जो है रिब केज के बीच में पाई जा रही है बिटवीन टू रिब्स एंड फ्रेनिक मसल जो है डायफ्राम प्लस में रिब केज के बीच में पाई जा रही है. दोनों कॉन्ट्रैक्ट होती है. जैसे कॉन्ट्रैक्ट होती है रिब केज जो है ऊपर की तरफ मूव करता है इट इज मूविंग अपसाइड एंड
outside also and diaphragm become flat. Diaphragm kaisa ho jata hai? Flat. Pehle normal condition ke liye kaisa tha wo? Dome shape. But baad mein kaisa ho gaya? Flat. Jaise hi ye change hote hain uske baad mein thoracic cavity ka volume kya ho jata hai? Increase. Thoracic cavity ka volume to increase ho jata hai aur air pressure kya ho jata hai andar? Decrease. Jaise hi air pressure andar decrease ho jata hai, surrounding ka air pressure jo hai ज्यादा होता है और अंदर का एयर प्रेशर कम होता है. तो यहां पे डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है और एयर बाहर से किस तरफ मूव करती है? अंदर की तरफ. दैट इज टेकिंग प्लेस इन इंस्पिरेशन. अब बात करते हैं एक्सपिरेशन के अंदर. एक्सपिरेशन के अंदर जो है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और पेलिक मसल्स रिलैक्स होती हैं. जैसे ही ये रिलैक्स होती है रिब केज जो है अंदर की तरफ तथा नीचे की तरफ मूव करता है. प्लस में जो डायफ्राम था वो वापस कैसा हो जाता है? डोम शेप. डोम शेप होने की वजह से जो है थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो जाता है. थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है. प्लस में एयर प्रेशर क्या हो जाता है? इंक्रीज. एयर प्रेशर इंक्रीज होने की बात में जो है अंदर का एयर प्रेशर ज्यादा है, बाहर का एयर प्रेशर कम है. अगेन डिफ्यूजन इज टेकिंग प्लेस और इसके बाद में एयर जो है अंदर से बाहर की तरफ मूव करती है. दैट इज टेकिंग प्लेस इन एक्सपिरेशन. इसके अलावा एक और छोटा सा टॉपिक है, दैट इज द आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन. आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है कि बहुत बार क्या होता है कि एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई भी इंजरी हो जाती है, उस वाली कंडीशन के अंदर जो है अपन प्रॉपर तरीके से रेस्पिरेशन नहीं कर पाते हैं. आवर हार्ट बीट इज कंटीन्यूअसली पंपिंग बट वी आर अनएबल टू टेक द रेस्पिरेशन और टेक द गैसेस. अपन जो है गैसेस को नहीं ले पाते हैं. उस वाली कंडीशन के अंदर जो है जो भी इंजर्ड पर्सन है उसका सर्वाइव करना थोड़ा टफ हो जाता है. तो इसी के लिए जो है एक मेथड है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन. आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के अंदर जो है अपन माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं. जो भी इंजर्ड पर्सन है उसके ऊपर जो नॉर्मल पर्सन है वो अपने माउथ से गैसेस को उसके अंदर डालता है और डालने के बाद में ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूसली 5-6 बार या इवन वी कैन से 4-5 मिनट चलती रहती है. और चलने के बाद में जो भी इंजर्ड पर्सन है उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम अगेन से तरीके से काम करने लग जाता है और वो जो इंजर्ड पर्सन है वो सही हो जाता है. दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन. इसकी मेथड टेक्निक है माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन. थैंक यू.